नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम अजायब गांव के अंदर पहुंचे हैं जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव है, मह मलके का गांव। मेरे साथ आप देख रहे हो अर्जुन वाड़ी, दीपक गुड्डा जी और गांव के जो है सरपंच और जिला पार्षद भी है और सभी गणमान्य व्यक्ति यहां पे पहुंचे। एक मुहिम जो उड्डा साहब की है कि खेलेगा भारत तो जीतेगा भारत। हाँ, तो उड्डा साहब आज हमने देखा भारत को खेलते हुए भी देखा और जीतते हुए भी देखा, क्योंकि जो हमारी मातृशक्ति थी अलग ही उनकी आंखों में एक चमक थी और एक खुशी थी। और जब बात करते सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद, उसके अलावा कुछ नहीं था, यही बार बार में शब्द निकल रहे। इससे पहले हमने कभी जो है खेलों के अंदर हिस्सा नहीं लिया था। आज दीपक ने, हमारे बेटे ने जो है एक मुहिम चलाई उसके तहत हमें ये मौका मिला। देखो, मैंने तो काफ़ी पहले ही बोल दिया था कि मैं जिस बुरे दौर से गुजरा हूँ, गाँव का कोई भी खिलाड़ी साथी उस दौर से नहीं गुजरेगा। इसके लिए मैंने तकरीबन 80 से 85 गांव में खेल की दी थी। जनवरी में, फरवरी में हमने शुरुआत की थी। तो मैं सोच रहे थे कि मतलब और क्या बेहतर कर सकते। फिर हमने सोचा कि साथ के साथ हर गांव में खेल प्रतियोगिता कराएं, क्यों किट दे देंगे तो किट दे के हम चले आते हैं। कोई खिलाड़ी उस किट को पहन के खेलता है, कोई नहीं खेलता है। तो अगर खेल प्रतियोगिता कराएंगे, जैसे आज हमने इस गाँव में खेल, अजायब गाँव में खेल प्रतियोगिता कराई, तो कितनी भारी संख्या में मातृशक्ति आई। महिलाओं की दौड़ भी हुई, मटका दौड़ हुई, बुजुर्गों की रेस हुई, फिर और बड़े बुजुर्गों की हुई, फिर वॉलीबॉल है, अभी कबड्डी का मैच चल रहा है। तो जब ये युवा साथी, ये खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जो खिलाड़ी नहीं चाहता होगा, पूरे गांव में एक अच्छा मैसेज जाएगा, संदेश कितना अच्छा जाएगा। बड़े बुजुर्ग भी हैं, मातृशक्ति भी है, पूरा गाँव आपने देखा कितनी भारी संख्या में पूरा गाँव उमड़ के आया, तो ये अच्छा मैसेज जाएगा। और अब साथ के साथ उन खिलाड़ियों को खेल किट देंगे तो इससे काफ़ी सुधार होगा। इन्हीं गाँव से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर हर गांव में ये मुहिम चलेगी, एक अच्छी खेल की लहर बन जाएगी। और साथ के साथ हमने गेम ऑन नशा गोन ये मुहिम भी चलाई है। तो नशा आज के दिन पे सबके भविष्य को जकड़ के बैठे हुए हैं। नशा चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे दारू बीड़ी सिगरेट इसका समझ लिया, एक फ़ोन का भी नशा समझ लीजिए आप। फ़ोन में भी आजकल का युवा 3-3, 4-4 घंटे फ़ोन से नहीं निकलता है। उसकी बजाय आप 3 घंटे पसीना निकालिए, ग्राउंड में आइए, मेहनत कीजिए, किसी ना किसी अच्छे मुकाम पर ज़रूर पहुंचेंगे। साथ के साथ आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो दीपक भाई, 20 साल के युवा को देख रहे थे या फिर 80 साल के बुजुर्ग को देख रहे थे, हर कोई खेलना भी चाहता था और जीतना भी चाहता था। और वो हमने देखा भी एक दूसरे में इतना कंपटीशन था कि आगे निकलने के लिए भी लड़ रहे थे, और जब फर्स्ट प्राइज हो रही थी उसके ऊपर भी जो चल रही थी कि ना मैं भी जी युवा, तो अलग ही खुशी हो रही थी। बिल्कुल अलग ही खुशी है, क्योंकि मैं, आपने देखा भी होगा जैसे बुजुर्गों की दौड़ थी तो उसमें तो ये भी बोलने लगे थे कि दोबारा करा दो, दोनों बराबर आ रहे। हाँ जी जी जी, तो ये माहौल बहुत अच्छा, इससे मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा वातावरण कुछ हो सकता था। आज का दिन मेरा तो सफल हो गया। तो दीपक भाई, उम्मीद तो ये है कि इसी तरीके से सफल होता रहे। पहले दिन निकले थे, उम्मीद थी कि लोगों के बीच जाएंगे, जब इतना प्यार मिलेगा और इस तरीके से जो लोगों का साथ मिलेगा, अब कैसी खुशी हो रही है। पहले सोचा नहीं था कि इतनी भारी संख्या में लोग मिलेंगे। जैसे सीसर गांव में गए, वहां तो और भी ज़्यादा भारी संख्या में, मतलब पूरा गांव का गाँव उमड़ा हुआ था। फिर आज गर्मी की वजह से आए अजायब में, तो पहले फ़ोन आया कि आ रहे हैं धीरे धीरे लोग। फिर जैसे ही मैं गांव में आया तो देख स्टेडियम ग्राउंड भरा पड़ा था और इतनी भारी संख्या में बार बार हमारी दौड़ होने दो, हमारी दौड़ होने दो। तो ये खुशी का माहौल अलग ही था। और मैं तो चाहूँगा कि हर गाँव में इससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हमारे बड़े बुजुर्ग भी, हमारी मातृशक्ति भी, हमारे युवा साथी जिनके लिए हमने ये पहल शुरू की है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक अकेली महम विधानसभा नहीं, पूरा रोहतक, पूरा हरियाणा, पूरे देश में ये गूंज जानी चाहिए कि दीपक हुड्डा ने कोई मुहिम चला रखी है। और मुझे देखकर मेरे और भी साथी खिलाड़ी, कोई और भी अच्छा इंसान एक अच्छी पहल हमारे खेल जगत के लिए करे, हमारे भविष्य के लिए करे। तो सरपंच साहब, हुड्डा साहब तो घर से निकल पड़े और आप लोगों का ही सहयोग है, क्योंकि गांव के अंदर सरपंचों की बात करें जो हमारे मौजूद व्यक्ति है उन्हीं का साथ लेके आगे बढ़ रहे हो और उसका जो है परिणाम भी आज दिखाई दे रहा है। आपने भी देखा, हुड्डा साहब से भी बात करे थे कि खासकर जो है गाँव की महिलाएँ आगे निकल के आ रही थी, पल्लू बंधा हुआ था लेकिन जो है एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में थी। बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं हुड्डा साहब, चलाते ही रहे, काम चला रहे। बहुत काम, बढ़ चढ़ के भाग लेंगे बच्चे। अब ग्राउंड भी नहीं, गाँव में ग्राउंड बनवा है और इस बार अच्छा हो गया, ग्राउंड भी तैयार। मनोज जी, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपको तो मैं देख रहा हूँ लगातार मेहनत कर रहे हो, हर गांव गांव में जाते हो, साथ जाते हो, आगे जो है हर पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है सेट कराते हो कि हाँ कि जो मुहिम भाई ने चलाई उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी भागीदारी रही। भाई साहब ने जो ये मुहिम चलाई है, खेलो भारत जीतो भारत, यह बहुत बड़ी बात है। और मैंने तो इसलिए खुशी है, आपने बताऊं
मैम चौबीसी के सीसर गांव से शुरू की है और हर एक मैम चौबीसी के जितने गांव हैं उनको होते ही हो, फिर दूसरे उसमें विधानसभा में दीपक भाई घुसेंगे। ये नहीं है मैम चौबीसी तक सहमत रखेंगे। दीपक भाई ने तो बीड़ा ठा लिया भाई, मैं पूरा हरियाणा में लेके जाऊंगा या मुई मर मेरा बस चला तो दूसरी स्टेटा में भी जाऊंगा। और जो दीपक भाई ने अर्जुनवाड़ी है जो यह पहल करी है, मैंने पूरा अजाब गांव इसका धन्यवाद कर रहा है और पूरा अजाब गांव है ना पूरा गदगद हो रहा है। जो मेरी बहनें थी, मेरी माताएं थी, ये भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ आ रही थी। और ये सबसे बड़ी बात एक है, दीपक भाई ने जिस भी कई बार मटका रेस होनी चाहिए, महिला रेस होनी चाहिए, मेरी बहनों की रेस होनी चाहिए या 1600 मीटर की या कबड्डी मैच होना चाहिए, जो भी फरमाश आई है दीपक भाई ने फौरन कह दिया भाई किट की गाड़ी भर के ले रहा हूँ मैं और पीछे गोज भर के ले रहा हूँ, आप खेल नहीं मनो। मेरा मकसद एक है, युवा जागरूक करो। अगर ज़्यादा आपा बड़ा खेल न देंगे ना तो युवा है ना जो अपना वो नशे तो दूर रहेगा। यह बहुत बड़ी सोच है दीपक भाई की और हमारे दोनों सरपंच साहब खड़े हैं, यो ताऊ भी 75-80 साल का फेस्ट आया है। मेरी मातृ शक्ति थी, मैंने इसी देखी है, ढीली आवत थी और फेस्ट सेकेंड प्राप्त करके ले गए। दीपक भाई की मेहरबानी है, बहुत बड़ी बात। अच्छा, आपने एक जिक्र किया कि दीपक भाई जो है किटे भर के लाए इनाम, लेकिन मैंने तो यहाँ देखा मातृ शक्ति को, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना ही था। जो प्राइज जीते वो भी बोल रहे हमें पैसे से कोई लेना देना, हमें तो पहली बार ये चांस मिला है कि हम जो है गांव के अंदर आए और हम दौड़ पाए और इतनी खुशी मिली। इसके लिए तो हम बार बार जो है चाहते हैं कि आगे भी इस तरीके के गेम होते रहे। दीपक भाई देखो, आप सच्चाई बोल रहे हैं, जितनी भी माताएं थी, बहनें थी, सब ने बोला कि पहली बार गांव में ऐसी खेल प्रतियोगिता आयोजन हुआ है, तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और साथ के साथ उनको ट्रॉफी दे रहे थे, इनाम दे रहे थे, वो तो सब मुझे आशीर्वाद ही दे रहे थे कि ऐसी प्रतियोगिता गाँव में बार बार होती रहनी चाहिए। तो दीपक भाई, अगला गाँव कौन सा टारगेट है, कौन से गाँव में अब ये गेम देखने? अभी 13 तारीख को तो बड़े सिंहपुर में है और संडे का फरमाना गाँव में। इस उम्र में हम लोग तो सोच ही नहीं सकते क्योंकि आज जिस तरह का माहौल है, लेकिन 80 साल की उम्र में आप तो भाग रहे थे, रुकने का नाम ही ले रहे थे, बार बार बोल रहे थे और ये लोवा करा थे। अच्छा जी, इससे पहले भी कभी रेस? 11। तो आप तो वैसे दावों का कहना चाहोगे? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपक भाई ने बढ़िया खेल, भारत जीतो, भारत प्रतिनिधि होकर रहे, युवाओं को नशा मुक्ति मिल जाएगी। अरे ऐसे ही लगे रहो, हम इनके साथ ही रहेंगे। जी जी जी, ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हो पूरा काम है, पीछे भी दिखा दे खिलाड़ियों, एक तरफ कबड्डी चल रही है, अभी जो है वॉलीबॉल चल रही थी, मटका रेस चल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो मुहिम जो दीपक हुड्डा जी ने चलाई है, उसका जो सपना लेके चले कि हर घर के अंदर खिलाड़ी होना चाहिए, हर घर से खिलाड़ी निकलना चाहिए, वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।